अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब आज जो है मैंने ये ग्रीन स्मोकी आई मेकअप किया है बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी तो वीडियो चले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है ये क्रिस्टीन का प्राइमर है ये मैं प्राइमर जो है मैंने लगाया है प्राइमर लगाने के बाद जो है मैंने ये लिक्विड हाइलाइटर है ये मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जहाँ जो फेस के हाई पॉइंट्स हैं वहाँ पर मैंने इस हाइलाइटर को लगाया और साथ ही मैं ये डार्क शेड का जो है ना लिक्विड फाउंडेशन है ये जीरो फोर नंबर का जो है ये फाउंडेशन है मिसरोस का ये मैंने यूज़ किया है और इस स्पंज से जो है मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये फाउंडेशन के साथ ही जो है ये हाइलाइटर जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाए ठीक है अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जो है मैं इसे पाउडर से जो है मैं इसको सेट कर लूँगी आप देखें अच्छे से जो है मैं बेस को जो है मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंड 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 और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जनाब ये पाउडर से जो है मैंने इसको सेट कर लिया पाउडर से सेट करने के बाद जो है मैंने फ़ेस को जो है मैंने कॉन्ट्रोल किया क्रिस्टीन की कॉन्टोरिंग किट जो है मैंने यूज़ की और ये लाइट शेड की जो है कॉन्टोरिंग किट है इससे जो है मैंने चीक बोन को और जॉ लाइन को और नोज़ को जो है मैंने कॉन्ट्रोल किया और नोज़ के लिए जो है मैंने ये स्मॉल ब्रश यूज़ किया और कॉन्टोरिंग के बाद जो है मैंने ब्लश अप्लाई किया मैंने पिंक सा ब्लश जो है मैंने यूज़ किया जिसमें हाई भी जो है वो थोड़ा सा मिक्स था तो वो सेवन कूल का जो है ना ब्लशर है ये जो मैंने यूज़ किया अच्छे से जो है मैंने इसको भी अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया और उसके बाद अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूंगी आईब्रोज को जो मैंने फिल कर लिया वह और ब्लैक शेड से जो है मैंने फिल किया और आईब्रोज़ को फिल करने के बाद जो है मैंने डार्क शेड के कंसीलर से जो है मैंने कंसीलर को मैंने पूरी आईलेट के ऊपर जो है मैंने लगा कर मिनी ब्लेंडर से जो है मैंने इसको ब्लेंड किया ठीक है और अब मैं ये ग्रीन शेड जो है मैंने लिया और इसे मैं पूरी आईलेट के ऊपर जो है मैंने इस मेटेलिक ग्रीन शेड को जो है मैंने लगा लिया ये बहुत ही प्यारा सा जो है ये ग्रीन शेड है ये और मैंने मुसरत मिसबा का जो है ना ये आई शेडो पैलेट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें से मैंने ये ग्रीन शेड को लिया और मैंने पूरी आईलेट के ऊपर लगा लिया और मैंने मेटालिक शेड लिया है एक हाइलाइटर शेड उसको जो है मैंने आई के इनर कॉर्नर को मैंने हाईलाइट किया और सेम उसी शेड से जो है मैंने ब्रोबोन एरिया को भी हाईलाइट कर लिया और अब मैंने इसको जहाँ पे मैंने ये मेटालिक शेड अप्लाई किया था उसे जो है मैं अच्छे से जो है मैं ब्लेंड करूँगी मैंने ब्राउन शेड लिया है और उससे जो है मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कहीं पे भी जो है वो हार्श लाइंस नहीं दिखें और अच्छे से जो है मैं इसको ब्लेंड करूँगी और सेम यही शेड जो है मैं आई के नीचे भी लगाऊँगी दोनों आई के नीचे जो है मैं इस ब्राउन शेड को लगाऊंगी जो मैंने क्रीज़ लाइन पर लगाया था सेम उसी शेड को जो है मैं आई के नीचे भी लगा रही हूँ और साथ साथ जो है मैं उसको ब्लेंड भी कर रही हूँ और इसे अच्छे से जो है मैंने ब्लेंड किया ब्लेंड करने के बाद जो है मैंने हाइलाइटर लगाया फेस पर फेस के जो सब हाई पॉइंट्स होते हैं उनको मैं हाईलाइट कर लूँगी हाईलाइटर लगाने के बाद जो है मैंने अब जो है मैंने किया मैंने फिक्सर से जो है मैंने पूरे फेस को जो है मैंने स्प्रे कर लिया ठीक है ये ऑप्शनल है आप चाहें तो ये यूज़ करें और आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं और उसके बाद जहाँ पे मैंने ये मेटेलिक शेड लगाया था उसी के ऊपर जो है मैं ये डस्ट जो है मैंने हल्का सा जो है ना लगा दिया और आप चाहें तो प्रेस ग्लिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं और अब मैं ये वाटर लाइन पर जो है मैंने ये काजल वाइट काजल है जो मैंने यूज़ किया है और अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ मस्कारा लगाने के बाद जो है मैं लेशेज लगाऊंगी थ्री डी भी मैंने लगाई हैं आई के मुताबिक जो है मैंने कट किया और उसको जो है मैंने थ्री डी लेशेज़ को लगाया और मैं ये लैशेस लगाने से पहले जो है मैंने पेन लाइनर से जो है मैंने लाइनर लगाया कोई मैंने विंग नहीं ड्रॉ किया बस स्ट्रेट लाइनर जो है मैंने लगाया है आप चाहें तो विंग भी बना सकते हैं ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है और लैशेस लगाने के बाद जो है कि मैंने लिपस्टिक लगाई बिल्कुल लाइट सा शेड जो है मैंने लगाया है लिप्स पे लिपस्टिक लगाने के बाद जनाब हमारा आई मेकअप जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है तो ये है हमारा फाइनल लुक उम्मीद है आपको आज का मेकअप पसंद आया होगा मेकअप कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा थैंक यू फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज़